ठीक है, देखो फाई का अगर फाई से यूनियन लेंगे तो फाई ही रहेगा, और जैसे मान लो एक सेट ए है और ए का यूनियन ए से ही ले लें तो वो फिर से ए ही आ जाएगा, कि वही सेट है उसका यूनियन उसी से ले लो, आंसर फिर वही बन जाएगा, है ना। तो इस ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये ए यूनियन ए बराबर ए, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइडम्पोटेंट लॉ, है ना। इसको एक नाम दिया गया आइडम्पोटेंट लॉ, कि अगर हम ए का यूनियन ए से लेंगे तो आंसर ए ही आएगा, तो इसको बोला जाता है आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, सब बच्चे इसको जल्दी से नोट करें, फिर आगे हम लोग और भी कुछ अच्छे ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ठीक बात है, तो ये ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब बच्चे जल्दी इसको नोट करें।